हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज अच्छे होंगे आप। आज 31 तारीख है, आज क्लोजिंग हो गया। अल्टीमेटली सारी एक्सपायरी क्लोज हो गई। और आज जो एक्सिस बैंक ने दिखाया और कोटक बैंक ने दिखाया, वो तो सबको देखने का अच्छा ही रहा होगा। आज इसने सारे अच्छे खासे पोर्शन को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ गया। एक्चुअली कल 1 फरवरी है और बजट है, और लोगों को कुछ आशा है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर के है, जो कि लगता नहीं है कि कुछ होगा उस पर। और शायद कुछ 1-2 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट होने वाला है बैंक को लेकर के, राहत के पैकेज को देखिए। इसके लिए आज कल की चाल आज ही बैंक ने चल दी है। न्यूज़ तो ऐसा था कि फेडरल रिजर्व ने कल रेट नहीं बढ़ाया, इसलिए एक 400 पॉइंट डोजेंस ऊपर रहा, और वो सब को लेकर के आपको बताया गया। लेकिन मुझे जो समझ में आता है कि कल जो बैंक को राहत दिया गया है, तो कल बजट के बाद लोग शायद जब ये न्यूज आएगा उसके बाद पोजीशन बनाने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस पोजीशन को कल लोग जो पहले से आज पोजीशन बना लिए, वो कल बाहर निकलेंगे। एक्चुअली मैं आज ही एक्सपायरी की चाल नहीं थी, एक्चुअली कल की चाल होनी चाहिए थी, लेकिन वो आज ही चल लिया। मेरे को ऐसा प्रेडिक्शन था कि आज ये 27,000 क्रॉस नहीं करेगा। फिर भी जब ये क्रॉस किया था, तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोग को लिया, एग्जिट पुट पोजीशन दिया था आपको, और यहाँ पे दिया था कि आप लोग 7 फरवरी का 27,200 का टारगेट बाय मंडे। मेरे को ये लगा था कि 27,200 मंडे तक पहुँच जाएगा आपको, इसलिए आपको वहाँ पे कॉल बाई करनी चाहिए थी आपको। ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर दिया हुआ है, जब मार्केट था तभी दिया था। तो अगर आज ही पहुंच गया और अच्छे खासे कॉल में फायदा, जो 120 125 रुपए का कॉल था वो 280 282 पे जाके बंद हुआ है। तो अगर कोई कॉल पोजीशन बनाए होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि पुट मैंने एग्जिट करने बोल दिया था, क्योंकि वो ओपन ही हुआ था, जो हुआ था गैप अप के साथ हुआ था, तो वहां पे कुछ जो फेडरल रिजर्व की जो न्यूज थी उसके बाद वो गैप अप ही ओपन हुआ था, तो वो कैंडल एक्टिव ही नहीं होना था उसको, तो वो हुआ भी नहीं। और आप देखेंगे तो ये क्या हुआ था कि ये ओपन हुआ 27,259, जहाँ पे हम आपको कल बताए थे कि ये 27,200 नहीं, 27,000 लास्ट है उसका। इसको कल की क्लोजिंग के अनुसार इसको 27,050 27,000 वहाँ तक जा सकता था ये, लेकिन ये ओपन ही होता है 27,259 को, और फिर 259 पे जा करके, और फिर आवरली चार्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, आवरली चार्ट था ये, 26,980 पे ओपन होता है, जाके हमारा ये प्रेडिक्शन था कि आपका 26,980 हाई रहेगा, वो 970 980 का हाई होना चाहिए, ओपन होना चाहिए था 841 के आसपास। जो ये क्लोजिंग दिया था, आप देखिए कैसे गैप अप बनाया हुआ, ये क्लोजिंग जो दिया था इसने 26,825 का था, तो इसको 841 150 पे मेरा था प्रेडिक्शन कि उस कैंडल को फॉलो करते हुए वो जाएगा, लेकिन नहीं फॉलो किया। और कल फेडरल रिजर्व का जो न्यूज आया उसके बाद ये इसने गैप अप ओपनिंग करके ले लिया, तो इसलिए एक्चुअल टारगेट करना मार्केट को थोड़ा डिफिकल्ट है, और प्रेडिक्शन करना तो ऐसे अगर ट्रेड होता है तो और भी प्रेडिक्शन करना टफ हो जाता है। फिर भी चलिए देखते हैं आज क्या कर रहा था। तो आज इसने क्या किया, 26,980 के साथ ओपन किया, हाई इसने आज 27,321 का लगा दिया, और लो 26,893 का था इसका, जहां पे 980 पे खुला उसके बाद थोड़ा नीचे गया, और उसके बाद उसने वहां पे आवरली चार्ट पे देखेंगे तो आप रहा, उसके बाद कंटिन्यू उसने अप ही बनाया, उसके बाद आप देखेंगे तो कंटिन्यू उसने फिर अप ही बनाने का पैटर्न रखा, उसने नीचे नहीं गया। तो और अल्टीमेटली उसने क्लोज दे दिया 27,295 पे। ये बुलिश फॉर्मेशन है, अच्छा फॉर्म किया इसने, और लगता है कि कल आपको शुरुआत में और एक बार गैप अप देने की चांसेस है, और गैप अप नहीं भी दे तो कल जो हाई बनाएगा वो मेरे अंदाज से लास्ट हाई होगा। मेरे से पूछे तो मैक्सिमम 27,429 450, मतलब 27,500 से क्रॉस नहीं करना दिखता है। अगर एलटीसीजी में कोई बेनिफिट दे दिया और विड्रॉ कर लिया एलटीसीजी, तो
तो कल आपको नया हाई बनाते हुए दिख सकता है, 28,000 भी जाते हुए दिख सकता है, जैसा सेंटिमेंट दिख रहा है। कल आपको 500-600 पॉइंट का गेन दिख जाएगा अगर LTCG हटा दिया तो। और केवल ये अनाउंसमेंट जो बैंक को 1 लाख करोड़ दे रहा है, इसके चक्कर में आज जो उठ रहा था आज ही उसने गैप अप ले लिया। फिर भी दो लेवल देखते वॉच रखते हैं, 27,429 है जो कि इसका 50% रिटेसमेंट है, और एक और रिटेसमेंट है 27,662 जो कि इसका 62% रिटेसमेंट है। यह मैक्सिमम हाई लगा कर रखते हैं कि 27,662 भी जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज हो गई, जो मुझे लगता नहीं है। लेकिन किसी भी कारण से ये जितना आप जाना चले जाए, कल चला जाए और परसों हो सकता है, अगर कल फॉल नहीं करता बजट के बाद तो ट्यूजडे के शायद ट्यूजडे वेडनेसडे को फॉल दिखाएगा आपको। और ये वापस आपको जो आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ से 1500 पॉइंट वापस फॉल करेगा, 1000 से 15 पॉइंट, और 26,000 को टेस्ट करेगा। उसका सबसे बड़ा कारण आप देखेंगे जो DHFL में जो अनाउंसमेंट आ रहा है, जो न्यूज आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। DHFL का जो आपको कल के वीडियो में बताया था, कल के डिटेल जा करके आप देख लीजिए उसका, वो जो फ्रॉड हुआ है और वो अगर एस्टेब्लिश होगा तो 1000 करोड़, आपको 1000 पॉइंट का फल तो ऐसे देखने को मिल जाएगा। वो न्यूज़ डिटेल में आएगा तो वो आने ही वाला है, क्योंकि एक बार उसको फॉल करना आया है तो एक बार आएगा ही, वो फॉल आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ये मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा होगा, क्योंकि DHFL का फ्रॉड जो है वो छोटा सा कोई फ्रॉड नहीं है। वहाँ पे 11,000 करोड़ के आसपास SBI का है, अच्छे खासे म्यूचुअल फंड पोजिशन बना के बैठे हुए हैं, 4,000 करोड़ का बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो अच्छे खासे इन्वेस्टर DHFL में होल्ड करते हैं और उसका सेंटिमेंट खराब होगा। DHFL के बाद हो सकता है इंडिया बुल्स भी लाइन्स में आ जाए, उसके भी कुछ ऐसे ही कुछ न्यूज आ जाए, तो NBFC सेक्टर में हो सकता है कि प्रॉब्लम आपको देखने को मिले, जिसके कारण बैंक सेक्टर पे अच्छे खासे प्रभाव पड़ सकते हैं। क्योंकि बैंकों ने सबने DHFL को अगर लोन दिया है तो और भी NBFC को लोन दिया हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट आपको वहां पे भी देखने को मिल सकता है। आज निफ्टी ने क्या किया, ओपन 969 पे हुआ, हाई बनाए 325 का, ओवरऑल 469 पॉइंट का गेन दे दिया। आज एक्सपायरी के दिन में एडवांसेस 8 रहे, डिक्लाइन 4 रहे। देखिए एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBI, HDFC, इंडसलैंड, ये सब मजबूत के साथ थे। यस बैंक थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके नीचे की ओर रखा जा रहा है, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक को कल चलाया गया, आज नहीं चलाया गया, तो हो सकता कल ICICI को चलाया गया, इन्हीं में से को चूज करके वो चलाएंगे, चलाने दीजिए। लेकिन एक्सिस बैंक अच्छा, बहुत ही लुक्रेटिव बन चुका अभी, और यहाँ से 750 के लेवल को भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। डेरिवेटिव पे अगर मैं देखूँ, 31 जनवरी का बैंक का निफ्टी आज तो क्लोज हो गया, तो 7 फरवरी का देख लेते हैं इसको। तो बैंक निफ्टी 27,295 है, 31 तारीख का डेट है, ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है। तो अगर मैं 27,200 पे देखूं तो यहाँ पे सब जगह कॉल राइट हो रहा है, बाइंग हो रहा है, और पोजीशन में प्लस, प्राइस में प्लस हो रहा है, मैं कॉल की ओर अभी बाइंग चल रही है, और लोगों को है बिलीव कि ऊपर की ओर कॉल जाएगा। और पुट की ओर आप देखेंगे राइटिंग हो रही है। 27,200 पे क्या हुआ, 1,20,000 पुट का एडिशन हुआ, 1,26,000 का ये ओपन इंटरेस्ट है क्यूमुलेटिव, और यहाँ पे देखेंगे तो 78,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। ओवरऑल देखें तो 26,500 पे अच्छा खासा 2,24,000 से, 26,700 पे 2,40,000 से पुट को शॉर्ट किया जा रहा है, 27,000 के भी पुट को शॉर्ट किया जा रहा है, और 27,200 में भी पुट में शॉर्ट है। इनफैक्ट 27,300 में भी 59,000 का एडिशन है, और 27,500 में भी है, तो ऐसा दिख रहा है कि एक बार ये ऊपर की ओर जा सकता है। यहाँ से भी वही है, और सबसे ज्यादा एडिशन 27,500 पे 1,30,000,
27,700 पे 1,82,000 और 28,000 पे 1,72,000, उससे ऊपर तो है नहीं। तो अभी जो लोगों का सेंटिमेंट है, उनको लग रहा है कि ये बाइंग की ओर जाएगा। कल ही हो सकता है ये सेंटिमेंट चेंज भी हो जाए, बजट में कुछ भी खराबी देखने को मिले। तो 27,200 का कॉल अभी आपको 272 रुपये में मिल रहा है। ये जब मैंने दिया था आपको तो 105 के आसपास दिया था। अब देखिए इसको, इसका लो भी देखेंगे। सताईस दो सौ नहीं था वो, 27,400 का 105 चल रहा था ब्रो। तो इसका लो जो बनाया 27,200 का, वो 27,200 का कॉल लेते तो आपको शायद उस समय 140 के आसपास मिलता, 145 के आसपास चल रहा था वो, 145 था वो। तो वहाँ पे आप उस समय अगर इसको टाइमिंग भी और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखे, 333%, 105 पे जो था वो था आपका 27,300 का शायद था, 26,300 हो गया ये, 27,300 बराबर है। ये 104 105 ये जो दिखा रहा है ये यहीं पे था। तो ये 27,300 का था और वहां पे इसने 104 का लो बनाने के बाद ये हाई 240 का बनाया और हाई की ओर ही क्लोजिंग दिया, जिसमें भी 71% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो आप 27,200 का 27,300 का किसी में भी पोजीशन बनाए होंगे, अगर यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि 27,200 टारगेट अचीव हो जाएगा बाय मंडे, तो वहां पे अगर आपने पोजीशन बनाया होगा मंडे के पहले ही हो गया अचीव, तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। 27,300 के 27,400 में भी अगर आपने पोजीशन बनाया होगा तो 78 रुपये पे था ये। इसने भी 176 का 193 का हाई बनाया, 176 का क्लोजिंग दिया, इसमें भी 117% का ओपन इंटरेस्ट है। आप उसमें 27,400 छोड़िए, आप कोई भी पोजीशन किसी ने भी बनाया हो, 27,500 का देख लीजिए, 27,500 का 58 रुपये के आसपास लो का था, 67 की क्लोजिंग थी, 153 रुपये का हाई बनाया, 140 की क्लोजिंग दी, और अभी भी कुछ है तो इसमें पोजीशन बना सकता है कल। लेकिन बजट फाइनल होने से पहले आप वहाँ प्रॉफिट भी बुक कर लें, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट 115% है, ये सारा आज ही क्रिएट हुआ है। तो एनएससी में ये डेरिवेटिव में पोजीशन है। मैंने कल आपको एक डीएचएफएल के लिए वार्निंग दिया था कि डीएचएफएल में कोई भी है तो वहां पे थोड़ा कॉशियस पोजीशन बनाए। और ये देखिए मैंने डीएचएफएल में फुल बेरिश थी से डीएचएफएल गया रे, कोई तो दिन से जगाए, तो ये करके आपको दिया था। और यहाँ पे मैंने बताया था कि 125 का भी टारगेट इसमें अचीव हो सकता है, और 125 का अगर टारगेट तोड़ता है तो 49 का भी टारगेट 2 डिजिट में भी ये दिखा सकता है। आज देखेंगे डीएचएफएल में तो गिरावट तो हुई ही है। आप देखिए कोई फॉल, मतलब समझिए कि कोई पैटर्न इसमें कंटिन्यू और वॉल्यूम के साथ तोड़ा जा रहा है। वॉल्यूम देखिए आप, ये 25 जनवरी को 2,61,00,000, 28 जनवरी को 2,39,00,000, 4 करोड़, 5 करोड़, 9 करोड़, जितनी वॉल्यूम और बढ़ रही है उतना प्राइस नीचे जा रहा है। इसका मतलब है बड़े जो ट्रेडर हैं, बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं, वो किसी भी रेट को बेच के निकलना चाहते हैं। ये उनको मालूम है अब इसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन सरप्राइज चीज देखिए, आज भी लोग बाय कर रहे हैं इसको, 1,12,76,000 की बाइंग कर रहे हैं। क्यों बाइंग कर रहे हैं इसमें, चलिए वो मेरा पूछना तो बेकार है, आपका पैसा बाय कीजिए। लेकिन आप समझिए कि जिसके पास फंड है वो तोड़ बेचने को तैयार है, वो किसी भी रेट पे बेच रहा है वो, और हम बाई कर रहे हैं, तो ये अच्छा चीज नहीं है यार। 49 पे चला गया तो कहाँ आपका वेल्थ रहेगा, और ऐसे रिस्की ओपन फॉलिंग नाइफ पे क्यों हाथ रखते हैं? आपको लगता है ये दे देगा टू, आपको बनाना ही पोजिशन है ना। तो ये जो देखिए जहां पे ये खड़ा था, जहां पे गिरने के पहले ये बहुत दिन तक खड़ा था, इस पीरियड से लेके खड़ा था 8/10/2008 के बाद, ये टू, ये देखिए ये लाइन 250 के आसपास क्रॉस करने दीजिए, 250 वहां पे आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा बनाना। कितने दिन तक तो ये खड़ा रहा यहाँ पे,
और अब तो चालू किया है गिरना इसने। तो ये फॉल जो आपको यहां पे खड़ा रखे, ये फॉल दिखाए, वही फॉल दिखाने की कैपेसिटी यहां रखता है ये। आप आरएसए मत जाइए, आरएसए 14% हो गया, निगेटिव में भी जा सकता है आरएसए। तो डीएचएफएल में आप लोग दीवान, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन दीवान नहीं बना देगा, दीवाना मत बनिए इसका। बाकी निफ्टी निफ्टी बैंक में कॉशियस पोजीशन रखिए, मेरे अंदाज से 27,500 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, जाएगा तो 662 भी जाएगा फिर। और मैं मुझे तो फील है कि कल जो कल की चाल थी वो आज उसने चल ली, तो परसों की चाल कल चलेगा। मतलब सुबह आपको पॉजिटिव दिखे, हो सकता है फिर निगेटिव भी दिखा दे। तो कल के लिए तो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए तो पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे, जब तक बजट में कोई निराशा हाथ नहीं लगती है उनको। और जो आज पोजीशन बनाए हैं, कल बजट के बाद सभी लोग उसमें बुकिंग करेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक ये कल का व्यू था, एक 1 फरवरी का व्यू था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे एजुकेशनल पर्पज से सिर्फ है, कोई भी पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फंड एडवाइजर से बात करके बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।